नमस्ते साक्ष, मैं हूँ रॉनी मंडल और मैं हूँ रोहन रॉय। हम है सिलिफार्म टेक्नोलॉजीज के फाउंडर्स, लेके आए हैं एक पोर्टेबल वायरेबल रिचार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मात्र, जो पीरियड पेन से रिलीफ देता है सिर्फ 10 से 15 मिनट यूज करने पे। ये खाली दो सेल्फ एडेसिव जेल पैड्स है, इसको लोअर एब्डोमेन में ऐसे फिक्स करना होगा, फिर इसका स्विच को टर्न ऑन करना होगा। विद इन 10-15 मिनट्स में मिल जाएगा रिलीफ। ये तो ऑलरेडी 400 प्लस वुमेन के ऊपर टेस्टेड है और 96% पॉजिटिव फीडबैक भी है। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज में, ऑफिस में और ट्रैवल करने का टाइम वर्क में भी। ये डिवाइस खाली हम लोग के लिए एक डिवाइस नहीं, ये हम लोग का एक मिशन है, महीने का हर दिन हर महिला को एक पेनलेस मेंस्ट्रुअल डेज देने का और टैबू भी तोड़ने का। अभी ये डिवाइस मार्केट में लॉन्च होने के लिए तैयार भी है। तो साथ इस मिशन पे साथी बनने के लिए आज हम लोगों का आपसे आस्क है 60 लाख एट 4% ऑफ इक्विटी। तो नो मोर पेन, स्माइल अगेन। अमेजिंग, आपका प्रोडक्ट दिखा दीजिए, लाइए। इस डिवाइस को हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं, एक है वायर्ड वर्जन और एक है वायरलेस वर्जन। तो ऐसे जस्ट ऐसे लगा सकते हैं। बहुत सारे वर्किंग वुमेन जब वायर्ड यूज करना नहीं चाहते, वो अंदर में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये डिजाइन किए। तो ये क्या होता है एग्जैक्टली? ये जो डिवाइस है एक गेट कंट्रोल थ्योरी पे काम करता है। पेन तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, वो नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है, तब हमें पता चलता है कि पेन हो रहा है। हम मास्टरी से एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पल्स भेजते हैं जो उस पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, ब्रेन तक जाने नहीं देता। और ये जो पल्सेस है ये स्पेसिफिक है मेंस्ट्रुअल पेन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मसल स्ट्रक्चर पूरा अलग होता है, यूटेरस होता है, फैट होता है, तो उसको ध्यान रखते हुए हम पल्स डिजाइन किए हैं। आपने इसको टेस्ट किया अपने घर पे? जब हम घर में यूज करा है, वो बोला कि एकदम 10 से 15 मिनट में ठीक हो गया, तो हम लोग बिलीव नहीं करे। तो उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स को अप्रोच किए, उसके बाद नेबर्स को अप्रोच किए, उसके बाद फीडबैक आते रहा। On a scale of 1 to 10, कितना कम हो जाता है? 0 से 10 के बीच अगर आपका पेन है 9, यूज करने के बाद वो 2 से 3 हो जाएगा। Wow. Go to market strategy क्या होगी? D2C होगा, pure D2C होगा पहले। तो हमारा वेबसाइट getmatri.com से इसको सेल किया जाएगा और Amazon Flipkart में भी रहेगा। प्राइसिंग क्या होगा प्रोडक्ट? प्राइसिंग 1999 होगा इसका। Nice. It's not bad. इसकी अवेयरनेस कैसे क्रिएट करोगे? गायनेकोलॉजिस्ट के चैनल, उसके बाद स्कूल कॉलेज जो है, स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस कैंपेन हम लोग करेंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करेंगे। एक कुछ ऐसा ना वायरल मोमेंट के बारे में सोचो कि कैसे इसको ओवरनाइट इसकी बस डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एंड इट कैन बी एन ओवरनाइट सक्सेस। सो माय ऑफर इज सिंपल, 60 लाख फॉर 10% व्हिच इज 6 करोड़ वैल्यूएशन। मैं ये ऑफर मैच करती हूं, बट मैं सोलो जाऊंगी बिकॉज इसमें बहुत काम है। इतने आइटरेशंस किए आपने, आपने दिखाए, आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि आप में परसिस्टेंस है, लेकिन बहुत काम है इसमें। मैं आपको ऑफर देती हूँ 60 लाख फॉर 6%, दैट इज 10 करोड़ की वैल्यूएशन। आपका ऑफर चेंज करते हैं, 60 लाख फॉर 4% जो आपने मांगा था। मैं 6 पे आती हूँ, आई थिंक 6 इज अ गुड ऑफर। मैं तेरे को ऑफर देता हूँ जो तूने मांगा था ना, सेम 60 लाख फॉर 4%। मैं मैच करती हूँ 60 लाख फॉर 4% जो आपने मांगा था। और रिमेम्बर कीजिए, ये सेक्टर की मैं क्वीन। मुझे ये लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको एक अच्छा ऑफर दूं। तो मैं आपको जो है समझता हूँ कि आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी बड़े स्केल का बिजनेस बनाने की। तो मैं आपको 4% का ही ऑफर देता हूँ, पर उसके अगेंस्ट मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। I think जो क्रेज हुआ था 21 में, क्यों हुआ था? Too much demand and very little supply. मतलब सारे इन्वेस्टर्स इतना पैसा लेके बैठे थे, जैसे कि ये शार्क्स चेसिंग फ्यू कंपनीज, तो वैल्यूएशन यहाँ पहुंच गए, ROI रिटर्न सब खिड़की के बाहर। तो यार मैं उसका पार्ट नहीं बन सकता। आई थिंक 25 करोड़ आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन द स्टेज दैट यू आर एट। So I'm out. Good luck. मैम, एक आस्क है आपसे। हम लोग इस डिवाइस को D2C सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या किसी और शख्स से कोलैबोरेट करना चाहते हैं? नहीं, I'll tell you why. क्योंकि मैं D2C में जा रही हूँ जनवरी में, ठीक है? मैं 4%
बहुत कम है मेरे लिए। सेम ही है मैम, खाली हम लोग बोल रहे हैं कि अमन सर को साथ अगर आप आए तो कुछ। बेचारे स्वीट्स हैं, मैं हेल्प कर दूंगा थोड़ी। चलो अमन, लेट्स डू इट। लेट्स डू इट, लेट्स सॉल्व दिस। ओके, कांग्रेचुलेशंस, मूव ऑन। टाइम टू रन, टाइम टू रन। गुड जॉब, फैंटास्टिक। नमस्ते शख्स, मेरा नाम अक्षता है। और मेरा नाम बॉनी है और हम co-founders हैं ट्रेसल लैब्स की बुक के। 17 साल की दीपाली मराठी में बीए कर रही थी कि एक दिन अचानक उसने एक हफ्ते के अंदर अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी। उसको जो बीए के लिए प्रिंटेड बुक्स मिलती थी, अब उसे पढ़ने के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करवाना पड़ता था, जिसमें 4 से 6 हफ्ते लग जाते थे केवल एक 300 पेज की किताब में। कभी कभी उसकी किताबें उसे एग्जाम्स के बाद मिलती थी। और दीपाली से हम उसी टाइम मिले और तब हमने सोचा कि जब दीपाली ऑफिस जाएगी तब उसको उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ब्रेल और ऑडियो बुक से कौन ला कर देगा। भारत में दीपाली जैसे 2 करोड़ से ज्यादा ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है और जिन्हें शिक्षा और रोजगार का अवसर नहीं मिल पाता, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वे प्रिंटेड, हैंड रिटन या डिजिटल कंटेंट को इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ पाते। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया कीबो। हमारा AI पावर्ड पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को आपकी पसंदीदा भाषा में पढ़ के सुनाता है। तो शख्स, जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी आपके सामने रखे, आइए देखते हैं उसको कीबो कैसे पढ़ के बताता है। नमस्ते शख्स, मेरा नाम कीबो है। मेरे नाम का अर्थ ज्ञान का पिटारा यानी नॉलेज इन अ बॉक्स है। मैं 60 भाषाओं में प्रिंटेड, हैंड रिटन और डिजिटल टेक्स्ट को पढ़कर सुना सकती हूँ और 100 भाषाओं में अनुवाद भी कर सकती हूँ। तो शख्स, इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन, यूजर की हर एक यूनिक नीड के लिए कीबो के पास एक यूनिक प्रोडक्ट है। कीबो इंडियन लोकसभा पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी सेटअप किया गया है। और कीबो को इंटरनेशनल ले जाने के लिए और हर स्कूल, कॉलेज और ऑफिस तक पहुंचाने के लिए हम चाहते हैं आपका सपोर्ट एंड 60 लाख फॉर 1% इक्विटी। क्योंकि शख्स, जब हर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में होगा ये ज्ञान का पिटारा, तभी इंक्लूसिव बनेगा शिक्षा और रोजगार हमारा। अब अपने नंबर्स, रेवेन्यू और प्राइसिंग दोनों समझा दीजिए। 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वी डिड एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ 22 लाख, जिसमें हमें 5.5% नेट प्रॉफिट था। सेकेंड ईयर, विच वॉज कोविड ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2021, वी डिड अ एनुअल रेवेन्यू ऑफ 28 लाख, जिसमें से 4% प्रॉफिट था। एंड थर्ड ईयर की हम बात करें, विच इज 21-22 फाइनेंशियल ईयर, तब हमारा एनुअल रेवेन्यू था 36 लाख, जिसमें हमें 7% का प्रॉफिट हुआ था। अभी जो हमारे रेवेन्यूज हैं 22-23, उसमें हमने 1.35 करोड़ किए, जिसमें से हमें 26% प्रॉफिट जनरेट हुआ है नेट। एंड इस साल का अगर हम बात करें, मार्च 2024, वील क्लोज एट 5 करोड़, जिसमें से हम ऑलरेडी 60% जो है अचीव कर चुके हैं अभी टिल डेट, एंड उसमें भी वील क्लॉक 30%। So when this consumer, what does he pay for this and what does an institution pay? आपका enterprise का क्या ticket price है? तो हमारे individual जो हैं वो हमारी mobile app लेते हैं, जिसमें monthly 89 rupees and yearly 979 rupees रहते हैं। और ये 5 crore में ये subscription model कितना होगा? That is 10% and B2B is 90% of our revenue. B2B is 90% of your. I really think आपको थोड़ा ये जो commercial angle है उसके बारे में सोचना चाहिए। All the best. And now we'll make sure you get a good offer. आप जो टेक की बात कर रहे हैं ना, जी, वो ऑप्टिमाइज्ड टेक है। There is very little core technology. That's my perspective. Okay. And so for that reason, I'm out. I hope you build something big. Our offer is 60 lakh, 10%. Oof. And we will bring all the resources, reach, everything, and help understand and translate this business and proposition into something big. So that's our offer. I would offer you 60 lakhs for 4%. Ooh. आप अगर चाहते हो तो मैं आपको और बेटर ऑफर देता हूँ, 60 lakhs for 3%. हमारा काउंटर रहेगा ऑल द थ्री, 60 lakhs for 1.5%. आपको 100% 5-6 crore की वैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए। फाइट फॉर इट, बट अभी मैं आउट हूँ क्योंकि 1.5% मैं नहीं दे सकता। गाइज, फॉर 1.5% राइट नाउ जो स्टेज पे आपका बिजनेस है,
It doesn't make much sense. 60 lakhs for 5%. Chalo, we'll do 60 lakhs, 6%. It's a deal, a 10 crore valuation, which is 2 times your revenue. Okay, guys. Yeah, right. Deal. Deal. All right, good. Congratulations. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम हितार्थ परिख है। मेरा नाम चाहिल पटेल है। और मेरा नाम हर्षित मालीवाल है और हम अहमदाबाद से हैं। हमारी आस्क है 10 लाख फॉर 1% ऑफ आवर कंपनीज इक्विटी। वाओ। हाइपरलैब एक स्पोर्टेक ब्रांड है जो डिजिटाइज्ड है, मींस वो कंबाइन करता है फिजिकल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ, और ये हमने अचीव किया है हमारे प्रोडक्ट हेलियोस से। तो हेलियोस प्लैनेट का सबसे पहला लेजर असिस्टिव ट्रेनिंग डिवाइस है जो अपने यूजर्स को ट्रेन भी करता है और उनको ट्रैक भी करता है। हेलियोस कोई भी स्पोर्ट्स या फिर कोई भी फिटनेस वर्कआउट के साथ चल सकता है, चाहे वो फुटबॉल में मेरा टैकल करना हो या फिर कबड्डी जो बहुत एजाइल स्पोर्ट्स है उसमें मेरा रेड करना हो, या फिर कोई जिम लवर के लिए मेरे को हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना हो। हेलियोस को बनाने में हमें 2 साल की कड़ी मेहनत, 600 से ज़्यादा प्रोटोटाइप्स और 100 से ज़्यादा यूज़र टेस्टिंग लगे हैं। तो चलिए शार्क्स, मैं आपको हेलियोस का एक डेमो दे देता हूँ। ये डिवाइस है, ये पोर्टेबल और मोबाइल डिवाइस है। इसे कोई भी प्लेन सरफेस पे रख सकते हैं। ये पूरा डिवाइस एक ब्लूटूथ वाया मेरे एप्लीकेशन से कनेक्टेड है। ओके। इसके ऊपर एक बटन है, ये ब्लिंक करना चालू कर देता है, मतलब मैं अब ड्रिल स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आई हैव टू लॉन्ग प्रेस ऑन दैट ब्लिंकिंग इनवाइटिंग लाइट। जैसे ही मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ इट स्टार्ट्स, वो पहला पॉइंट है। जैसे ही मैं इधर पहुँचा इट गोज टू द सेकेंड पॉइंट। इसको एग्जैक्टली पता है कि ये कितने डिस्टेंस पे इसने प्रोजेक्ट किया है, कौन सी डिरेक्शन में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और थर्डली कि मेरा एग्जैक्ट टाइम ऑफ टैपिंग दैट पॉइंट क्या है। जैसे ही उसको ये 3 डेटा मिलते हैं ना, उसके बाद वो फुल अपना एनालिसिस लगा के मेरा स्टैमिना, मेरा एजिलिटी, मेरा रिफ्लेक्स, मेरा डायरेक्शनल एनालिसिस, कंसिस्टेंसी सब बता देता है। मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही है, आप स्पोर्ट्स या हेल्थ टेक में हो और आप तीनों मतलब लग नहीं रहे हो मुझे कि रोज एक्सरसाइज करते हो या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व। प्रोडक्ट बनाने में लगे हुए हैं। क्या उम्र क्या है आपकी? 22। और 22 साल में मतलब क्या बात है यार, आधा घंटा वर्कआउट भी नहीं लगता है। सिर्फ एक चीज ऐसी थी कि बोल दूं। बोलना यार, बोलने तो आया है। जो ऐसे बेस्ट जो अपना सलोन वाला है वो भी गंजा होता है। हाँ गंजा है मतलब। वैलिडेट किया है कोचेस के साथ ये प्रोडक्ट? हम साई के साथ और स्वर्णिम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हैं, और उधर के स्टूडेंट्स डिवाइस पे PhD कर रहे हैं क्योंकि ऐसा डिवाइस अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था। डिवाइस ऑलरेडी मार्केट में है? सितंबर में ही इसको R&D फेज से बाहर निकले। सो व्हाट वी आर थिंकिंग इज टिल दिसंबर वी विल हैव मैन्युफैक्चरिंग सॉर्टेड और मार्च तक हमें लॉन्च करना। कितना प्राइस करेंगे इसे? इट इज 30,000 ओनली। चल ठीक है, मैं ऑफर देता हूँ आपको। 22 साल में मुझे लाइफ में नहीं पता था मुझे करना क्या है, और आप लोग इतने सॉर्टेड लोग हो, तो 10 लाख रुपए 1% जितना आपने मांगा सेम। मैं आपको एक और ऑफर देती हूँ, 50 लाख रुपीज फॉर 5%, 20 लाख फॉर 1%, which is double their valuation. I match Namita ka offer and the other offer you have is 50 lakh for 5%. ठीक है, तो मेरा ऑफर जो आपने मांगा है 10 लाख 1%, मैं आपको देता हूँ 1 करोड़ रुपए, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म for 5% ऑफ योर कंपनी। I'll revise my offer. 25 lakhs 1%. And I'll help you in electronic manufacturing a lot. Hitarth, I match that. I also match that offer as an option. And the other option is 50 lakh 5% of your original. That you don't need to dilute from. Aman. Never underestimate the power of a man. तूने valuation बढ़ाई यार और कुछ नहीं। मैंने तेरी valuation double कर दी और तूने उसको pick किया। क्या कर रहे हो यार तू? आज से हम भी जिम जाएंगे।